गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर 4 हीट एंड टेम्परेचर। तो करते हैं स्टार्ट। ऊष्मा, ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा एक शरीर यानी पिंड में बहने वाली ऊर्जा का एक रूप है जो गर्मी की अनुभूति देता है। देखिए, हमारे शरीर में ऊष्मा होती है, ऊष्मा होगी तो हमारा शरीर क्या होगा, गर्म होगा। शरीर में ऊष्मा शरीर में अणुओं की गतिज ऊर्जा के आधार पर होती है। तो शरीर में जो हीट होती है किसकी वजह से होती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण। जब किसी भी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जो मोशन के कारण बढ़ती है। तो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, जैसे ही टकराते बहुत ज़्यादा तो हीट प्रोड्यूस होती है। यह जो हीट प्रोड्यूस हुई है यह काइनेटिक एनर्जी के कारण उत्पन्न होती है। मतलब कि हमारी बॉडी में क्या होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के क्या होगा, पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, आपस में टकराएंगे तो उससे हीट पैदा होगी। उस हीट के प्रोड्यूस होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगी। काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच एनर्जी ऑफ मोशन देयर इज। मोर काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब ग्रेटर पार्टिकल्स मूवमेंट, जितने पार्टिकल्स मूवमेंट ज़्यादा करेंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। मोन क्लजन एंड हीट जनरेटेड, उतनी ही हीट जनरेट होगी जिससे कि टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज सेम एज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एसआई यूनिट ऑफ हीट की और एनर्जी की सेम होती है क्या, जूल। द सीजीएस यूनिट ऑफ हीट, सीजीएस यूनिट क्या होगी हीट की, अर्ग। द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग में, जूल और अर्ग में क्या रिलेशन, एक जूल 10^7 अर्ग के इक्वल होगा। अदर यूनिट ऑफ हीट आर कैलोरी एंड किलो कैलोरी होती है। यूनिट क्या होती है, एक किलो कैलोरी में क्या होती है, 1000 कैलोरी होती है। द रिलेशन बिटवीन जूल एंड कैलोरी में रिलेशन, एक कैलोरी इक्वल होती है 4.186 जूल के बराबर होती है, और एक जूल होता है 10^7 अर्ग के इक्वल होता है, और एक जूल को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4.2 कैलोरी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हीट को मेजर करने के लिए कैलोरी मीटर यूज़ किया जाता है। तो हीट किससे मेजर करते हैं, कैलोरी मीटर से। हर एक लाइन में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो प्लीज़ एक एक लाइन ध्यान से सुने और ख़ुद से भी रीड कीजिए। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हॉट वस्तु से कोल्ड वस्तु की तरफ हॉट ट्रैवल होती है। मतलब कि जो स्थान गर्म है तो गर्म स्थान से ठंडे स्थान की तरफ हीट का ट्रैवल होता है। दाब प्रेशर, प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग होता है। हीट को मापने के लिए कैलोरीमीटर का और प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ होता है। और दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। कैन वी मेज़र द हॉटनेस ऑफ ए बॉडी बाय टचिंग इट। क्या हम किसी भी बॉडी को छूकर बता सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडी। जैसे कई बार हम अपनी बॉडी पर हाथ लगा के देते हैं तो कहते हैं बुखार हो गया, शरीर बहुत गर्म है, तो आप ये बता सकते हैं या नहीं। तो रियलिटी में ये हम नहीं बता सकते बॉडी को छूने से। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमने कोल्ड वाटर का एक टब लिया, एक हॉट वाटर का टब लिया और एक तीसरा नॉर्मल टैप वाटर का एक टब लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपना एक हाथ कोल्ड वाटर में डाला, फिर गर्म में डाला दूसरा हाथ, और फिर दोनों हाथ नॉर्मल टैप वाटर में डाल ले। तो क्या इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, तो इससे रिजल्ट निकलता है कि सबसे पहले ए में जिसमें कोल्ड वाटर में हाथ दिया तो वह ठंडा, क्या लगेगा, ठंडा। फिर बी जिसमें हॉट वाटर तो उसमें हाथ दिया तो क्या हुआ, गर्म। अब ये दोनों हाथ जब हमने सी में दिए तो ए वाले हाथ को तो सी का पानी बहुत गर्म लगेगा और बी वाले हाथ वाले को सी का पानी बहुत ठंडा लगेगा। इसलिए हम कह नहीं सकते कि टच करने से किसी बॉडी का गर्म या ठंडा हम बता सकते हैं। देखो, जब कोल्ड बॉडी से नॉर्मल पानी में जब हाथ जा रहा है तो वो पानी क्या लगेगा, बहुत ही गर्म, और जब गर्म से नॉर्मल पानी में हाथ जा रहा है तो वो हाथ कैसा लगेगा, बहुत ही ठंडा। ठीक है, तो हम इस निर्धारण पर नहीं बता सकते कि किसी को टच करके कि वो बॉडी क्या है, हॉट या
कोल्ड। नेक्स्ट है, वह मात्रा जो हमें किसी पिंड की उष्मीय स्थिति को बताती है, अर्थात किसी पिंड की गर्माहट या ठंडक की डिग्री निर्धारित करती है, तापमान कहलाती है। तो जो हमें इसका उष्मीय मान या किसी पिंड का गर्म होना या ठंडा होना बताता है, वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर, तापमान। इस तरह टेम्परेचर को हम किससे मापते हैं, थर्मामीटर से। क्लिनिकल थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर। इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीगेड तक होती है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होगी, केल्विन। केल्विन स्केल के ऊपर सबसे छोटा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपसे सबसे छोटा टेम्परेचर पूछा जाए तो वो क्या होगा, 0 डिग्री केल्विन, जिसे केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट जीरो किसको कहते हैं, इसमें टेम्परेचर का माप 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल, तो केल्विन पता लगाना है तो 273.15 प्लस सेंटीग्रेड जितना भी दे रखा है तो केल्विन निकल जाएगा। द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल इज, तो फारेनहाइट निकालना है तो 9/5 सेंट केल्विन प्लस 32 ऐड कर देंगे उसमें सेंटीग्रेड, 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, अब है हीट के ट्रांसफर के क्या क्या मेथड है। तो सबसे पहला कंडक्शन चालन, प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है। ठीक है, जैसे एक स्टोव को जलाकर उस पे रखे बर्नर को गर्म किया जाता है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हमने गैस के ऊपर क्या रखा, एक स्टोव रखा जिसमें हमने पानी गर्म किया, तो इस स्टोव से बर्तन पे गई, बर्तन से फिर पानी में जा रही है। ठीक है, तो वो होता है चालन। इसकी शर्तें क्या क्या है, इसमें जो दो बॉडी हैं वे आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, जो बॉडी जैसे स्टोव के ऊपर बर्नर है तो आपस में क्या, वो कनेक्ट है। ठोस वस्तुओं में हीट का ट्रांसफर चालन विधि द्वारा होता है, जितने भी ठोस वस्तु है उसमें चालन विधि द्वारा हीट ट्रांसफर होता है। यह हीट ट्रांसफर का सबसे स्लो हीट ट्रांसफर मेथड है। तो सबसे स्लो हीट ट्रांसफर मेथड कौन सा है, चालन। नेक्स्ट है कन्वेंशन संवहन, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस एवं द्रव माध्यम में होता है। ठोस में होगा तो चालन, द्रव और गैस में होगा तो संवहन। इसमें माध्यम से कण अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। उदाहरण के लिए गैस बर्नर में किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं, तो सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होगा, गर्म होने से वह हल्का हो जाएगा जिससे वह ऊपर आ जाएगा, फिर ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, फिर वो गर्म हो जाएगा। तो यह प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा, इसे हम क्या कहेंगे, संवहन। जैसे लाल ट्रेन का उड़ना, जब आपने देखा होगा आकाश में पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है, तो किसकी वजह से होती है, वो संवहन की वजह से होती है, विकिरण, रेडिएशन। ऊष्मा संचरण की इस विधि में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखो सबसे पहले क्या था, चालन, चालन में हमें हुई ठोस वस्तु की जरूरत, फिर है संवहन, इसमें हुई गैस और द्रव माध्यम की जरूरत। नेक्स्ट है विकिरण, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह वैक्यूम के अंदर ट्रैवल करता है। जब सूर्य की किरणें नीचे धरती पर आती हैं और वह गर्म करती है, तो यह विकिरण मेथड से होता है। अब सबसे ज़्यादा किसी में होता है, रेडिएशन में, उसके बाद कन्वेंशन में, उसके बाद कंडक्शन में। तो सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफर किस में होती है, रेडिएशन में, विकिरण में, फिर संवहन में और फिर चालन में। हीट ट्रांसफर होता है विभिन्न पैमानों पर तापमान। ये आपसे सीधे से सीधे क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं कि जल का जमना कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है, फारेनहाइट पे है, केल्विन में है। तो जल का जमना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 फारेनहाइट और केल्विन में 273। कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 80.6 फारेनहाइट और केल्विन में 300। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 फारेनहाइट और 310 केल्विन। जल का उबलना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट 212, केल्विन
373। द्रव तापमापी क्या होते हैं? इसमें अल्कोहल या पारे का उपयोग किया जाता है। कि द्रव तापमापी में किसका यूज़ होता है? अल्कोहल या पारे का। ये दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो द्रव अवस्था में कौन सी चीज़ पाई जाती है? अल्कोहल, पारा। इस तापमापी का उपयोग -115 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान मापने में किया जाता है। सीबेक प्रभाव, सीबेक इफेक्ट, दो अलग अलग तारों के सिरों को गर्म करते हैं। वह उनके दोनों सिरों को जोड़कर परिपथ बनाते हैं तो धारा बहने लगती है। इसे ताप का विद्युत प्रभाव या सीबेक इफेक्ट कहते हैं। क्या होता है? जब दोनों तारों के सिरों को गर्म किया जाता है और वह उनके दूसरे सिरे को जोड़कर परिपथ बनाते हैं तो इसमें क्या होती है? धारा बहने लगती है। इसे ही विद्युत प्रभाव या सीबेक इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है परम शून्य ताप। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता। इसे केल्विन में 0 डिग्री केल्विन लिखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और आगे की वीडियो के लिए गीता ठाकरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।